ओके जी, नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं जी, कॉन्फ़िगरिंग फॉर रिकवरेबिलिटी। ऑलरेडी हमने इसमें से बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। पर्पज़ क्या जी बैकअप एंड रिकवरी का? बैकअप एंड रिकवरी फंक्शनलिटी इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग: डेटा प्रोटेक्शन अगेंस्ट मीडिया फेलियर, यूजर एरर्स या एप्लीकेशन एरर। आप डेटा आपका प्रोटेक्टेड रहे, डेटा लॉस ना हो जाए। डेटा प्रिजर्वेशन एंड हिस्टोरिकल रिटेंशन, आप पुराना डेटा रखना चाहते हैं अपने पास, सारा डेटा सिस्टम पे डेफिनेटली नहीं हो सकता, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। आप कुछ डेटा आर्काइव कर देते हैं, ठीक है, उसको रख देते हैं अपने पास, उसको सेव कर लेते हैं, उसको बैकअप लेके किसी जगह रख देते हैं और लाइव सिस्टम में से उसको रिमूव कर देते हैं। तो दैट इज नॉट डेटा प्रिजर्वेशन या हिस्टोरिकल रिटेंशन के लिए। और डेटा ट्रांसफर एक मशीन से दूसरी मशीन, एक सर्वर से दूसरे सर्वर, एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में लेके जाना हो तो उसके लिए भी आप बैकअप ही लेते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं आप बैकअप के थ्रू करते हैं, ठीक है। टिपिकल बैकअप एंड रिकवरी टास्क: कन्फिगर द डेटाबेस फॉर रिकवरेबिलिटी, डिफाइन अ बैकअप स्केड्यूल, बैकअप लें और रेगुलरली बैकअप लें, प्लान एंड टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर सिनेरियोस। और बैकअप लेने के बाद टेस्ट एनवायरमेंट में जाके बैकअप रिस्टोर करें और फिर डिफरेंट तरह के सिनेरियोस परफॉर्म करें। किसी टेस्ट मशीन का बैकअप लें, उसके ऊपर फाइल्स कोड आए उनको रिस्टोर करें, इनकम्प्लीट कम्प्लीट रिकवरीज को देखें, यह सारी चीजें आपको, ताकि आपको कभी रियल में करना पड़े तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है, और आपको उस वक्त इश्यूज ना आए। मॉनिटर ट्यून एंड ट्रबल शूट द बैकअप एंड रिकवरी एनवायरमेंट, कोई इश्यूज आए तो उनको आपको फिक्स करना पता होना चाहिए कि क्या इश्यूज हैं और कैसे फिक्स करना है। रीस्टोर डेटा फ्रॉम बैकअप्स, रीस्टोरेशन कैसे करनी है, रिकवरी कैसे करनी है और किस तरह की रिकवरीज हो सकती हैं, वो आपको आइडिया होना चाहिए। एंड रिकवर ट्रांजेक्शन टू डिजायर्ड पॉइंट इन टाइम, इनकम्प्लीट या कम्प्लीट रिकवरी का आइडिया होना चाहिए आपको। अच्छा, बैकअप एंड रिकवरी जो सोल्यूशन ओरेकल के अवेलेबल हैं उसमें आरमेन है। आरमेन की कैपेबिलिटी है कि ब्लॉक मीडिया रिकवरी पॉसिबल है इसके थ्रू। अगर आपकी एक डेटा फाइल है, एक डेटा फाइल में एक ब्लॉक करप्ट हो जाए, अगर आपने आरमेन से बैकअप लिया तो सिर्फ उस ब्लॉक को रीस्टोर एंड रिकवर कर सकते हैं, इंस्टेड के पूरी डाटा फाइल को करें, क्योंकि ओरेकल आरमेन जो है वो ब्लॉक लेवल बैकअप लेता है, इंडिविजुअल ब्लॉक्स को जाके कॉपी कर लेता है। अनयूज ब्लॉक कंप्रेशन मीन्स कि आपका जो ऐसे ब्लॉक्स जो कि यूज नहीं हुए होते ओरेकल आरमेन उनका बैकअप ही नहीं लेता। सिर्फ वही ब्लॉक हो उस बैकअप सेट में, उसको ब्लॉक डिलीट करेगा, रिस्टोर करेगा और उसके ऊपर रीडू अप्लाई करेगा। उसको खुद बाहर ब्लॉक की एक आईडी होती है ना, हर फाइल की एक आईडी होती है, एक ब्लॉक की आईडी होती है। आप बताते हैं कि फ्रॉम फाइल का फ्रॉम ब्लॉक नंबर रिस्टोर करो, वो रिस्टोर कर देगा, ठीक है। आगे चल के देखेंगे इसको। बाइनरी कंप्रेशन मीन्स के आप फर्दर डाटा को कंप्रेस कर सकते हैं। बैकअप इंक्रिप्शन, बैकअप पे पासवर्ड लगा सकते हैं या वॉलेट बेस्ड सर्टिफिकेट बेस्ड इंक्रिप्शन लगा सकते हैं कि बैकअप आप ले लें लेकिन रीस्टोर उस वक्त हो जब वो पासवर्ड दें, बैकअप के ऊपर पासवर्ड लग जाए, ठीक है। सॉल्यूशन आर्काइव बाय बैकअप टाइप्स, ऑल डेटा ब्लॉक्स विद इन योर चूजन फाइल्स, आपका फुल बैकअप हो सकता है या इंक्रीमेंटल हो सकता है, ठीक है। ओनली इन्फॉर्मेशन दैट हैज चेंज इन द प्रीवियस बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप आप ले सकते हैं। इंक्रीमेंटल दो तरह के बैकअप होते हैं, कम्युलेटिव इंक्रीमेंटल होते हैं और डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल होते हैं। Oracle बैकअप solutions, OS पे आपकी ये डेटा फाइल्स हैं, आरमेन के थ्रू आप बैकअप ले सकते हैं, वो बैकअप सेट्स के थ्रू बैकअप लेगा और उसमें बैकअप पीसीज बनाएगा, ठीक है। और OSB के थ्रू आप ये बैकअप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, टेप्स के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको Oracle का एंड टू एंड सोल्यूशन है, वो फाइल्स को कॉपी करेगा और डायरेक्टली टेप के ऊपर शिफ्ट कर देगा, जब रीस्टोर करना होगा तो टेप्स में से OS के ऊपर आपको रीस्टोर करना होगा। Oracle Secure बैकअप रोबोटिक आर्म होता है, रोबोटिक आर्म उसको कहते हैं, रोबोटिक आर्म होता है और वो ऑटो लोडर लाइब्रेरी होती है, वो लाइब्रेरी आपकी ऑटो लोडर MSL कहलाती है। बताए ये आपके पास ये अवेलेबल है ऑप्शन डैश बैकअप पोर्शन ऑफ द डेटाबेस द कंट्रोल फाइल मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड पार्शियल, ठीक है जी पार्शियल। अच्छा डैश इज अ कंसिस्टेंट बैकअप बिकॉज द SCN इन द डेटा फाइल एडर मैच इज द SCN इन द कंट्रोल फाइल, कोल्ड या ऑफलाइन बैकअप, ठीक है जी। डैश बैकअप ईच डेटा फाइल ईच डेटा ब्लॉक दैट कंटेन्स डेटा एंड दैट इज विद इन द फाइल्स नेम बैकअप, ठीक है जी। फुल बैकअप
and that dash is a inconsistent backup because there is no guarantee that the data files are synchronized with the control files. Online backup. ठीक है जी. Dash includes all data files and at least one control file for all database purposes. ठीक है. इमेजेस का भी है बी जो है वो इमेजेस का बैकअप सेट या ठीक ए टू ही वन बिल्कुल ऐसे ओरेकल सजेस्टेड बैकअप एंटरप्राइज मैनेजर में जाके आप रिकवरी के टैब में स्केड्यूल कर सकते हैं बैकअप. ओरेकल सजेस्टेड में क्या होगा वो फुल बैकअप एक स्केड्यूल करेगा. ठीक है. ओरेकल की डिफॉल्ट सेटिंग है फ्लैश रिकवरी एरिया में बैकअप लेगा एंड सो उसमें कोई ऑप्शन नहीं देगा. रिकवरी मैनेजर आपने यूज करना तो आर मेन कमांड लाइन टूल है या एंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू आप यूज कर सकते हैं. आर मेन टारगेट स्लैश या आर मेन लिख एंटर करेंगे और कनेक्ट करने टारगेट के साथ बैकअप डेटाबेस करेंगे तो आपको डेटाबेस का बैकअप करना शुरू कर देगा. हाँ जी चाहे आपकी डेटाबेस माउंट स्टेज पे है चाहे ओपन स्टेज पे है. अगर आर्काइव लॉग मोड में है तो ये ओपन स्टेज पे इस तरीके से बैकअप होना शुरू कर देगा. अगर नो आर्काइव मोड में है तो ये कमांड आप फिर माउंट स्टेज में जाके देंगे. यही डिफरेंस है. इसमें कोई इश्यूज तो नहीं है ना आपको. अच्छा लिस्ट ऑनलाइन के लिए जरूरी है. ऑनलाइन के लिए आर्काइव ब्लॉक होना जरूरी है. आप बैकअप डेटाबेस की कमांड के थ्रू बैकअप ले लें या रन का ब्लॉक लिख लें. ठीक है. इट डजंट मैटर वो. लेकिन प्री रिक्विजिट यही है कि आपकी डेटाबेस आर्काइव ब्लॉक मोड में होनी चाहिए अगर आप ऑनलाइन बैकअप लेना चाहते हैं. और अगर आपकी डेटाबेस आर्काइव ब्लॉक मोड में नहीं है या आप ऑफलाइन बैकअप नहीं लेना चाहते आप डेटाबेस डाउन करें प्रॉपर तरीके से स्टार्टअप माउंट करें और फिर बैकअप लें. आर्मेन के थ्रू हमेशा बैकअप ही सेम होगी. डिमांड सेम होगा लेकिन आपकी डेटाबेस की जो स्टेज है वो डिफरेंट हो सकती है. लेकिन हाँ इस दौरान की आर्काइव आपको जरूर लेनी पड़ेंगे. जरूर आर्काइव होनी चाहिए इस बैकअप के साथ अदरवाइज इशू हो जाएगा. लिस्ट बैकअप की कमांड क्या करती है कंट्रोल फाइल में से उस टारगेट डेटाबेस की कंट्रोल फाइल में से जितने भी बैकअप्स आज तक हुए हैं आर्मेन के थ्रू जिनकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में अवेलेबल है वो आपको सारी लिस्ट दिखा देगी कि कौन कौन से बैकअप्स किस वक्त हुए इनके क्या साइज लिस्ट है कहाँ पे हुए कौन सी फाइल्स एंड फोन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. हाँ नहीं कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है. एंड डिलीट ऑफ डिलीट की कमांड क्या करती है ऐसे बैकअप्स जिनकी रिटेंशन पूरी हो चुकी है उनको डिलीट कर देती है. लेट्स से आपके बाय डिफॉल्ट रिटेंशन होती है आपकी रिटेंसी वन या जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था मैंने रिटेंशन रिकवरी विंडोज ऑफ 7 डेज का दी थी और मैं 7 दिन पुराने जो बैकअप्स होंगे वो ऑफ डिलीट मार्क हो जाएंगे कंट्रोल फाइल के अंदर. तो वो आप कितने बैकअप्स एट टाइम हो हाँ जी कितने बैकअप्स कंट्रोल फाइल के अंदर कितने बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है वो दैट इज रिडंडेंसी. लेकिन फिजिकली बैकअप आपको डिलीट करेंगे. हाँ फिजिकल अगर आप आपके फिजिकल बैकअप्स डिस्क में पड़े हुए हैं और वो कंट्रोल फाइल में जाके ऑब्सोलीट हो गए हैं तो आप जब डिलीट करेंगे तो ओएस में से भी डिलीट कर देगा खुद ही अगर वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं. अच्छा टाइप्स ऑफ आर्मेन कमांड आर्मेन में जो कमांड दी जा सकती है वो स्टैंड अलोन कमांड है. आप जैसे बैकअप डेटाबेस की कमांड है लिस्ट बैकअप की कमांड है और डिलीट ऑफ डिलीट का आपने अलग अलग कमांड दी है तो ये स्टैंड अलोन कमांड है. एग्जीक्यूटेड इंडिविजुअली एट द आर्मेन हाँ जी एट द आर्मेन प्रॉम्प्ट कैन नॉट अपीयर एज सब कमांड विद इन रन ब्लॉक एंड जॉब कमांड है विद बी मस्ट बी विद इन द प्रेसिस ऑफ अ रन कमांड इज एग्जीक्यूटेड एज अ ग्रुप. ठीक है एज अ ग्रुप एग्जीक्यूट होते हैं. इनका रन के ब्लॉक का आर्काइव लॉग ऑनलाइन या ऑफलाइन बैकअप से कोई लिंक नहीं है. चाहे ऑफलाइन बैकअप लें चाहे ऑनलाइन बैकअप लें आप रन का ब्लॉक इन एनी केस यूज कर सकते हैं या स्टैंड अलोन कमांड यूज कर सकते हैं जैसे मर्जी आप चाहें. ठीक है. सम कमांड्स कैन बी एग्जीक्यूटेड एज आइदर अ स्टैंड अलोन और अ जॉब कमांड. कुछ कमांड ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ रन के ब्लॉक में हो सकती हैं कुछ ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उस पर प्रॉम्प्ट स्टैंड अलोन ना कर सकते कुछ ऐसी हैं जो दोनों तरीकों से रहेगा. हाँ जी जैसे एलोकेट चैनल की कमांड है वो आप रन के ब्लॉक में कर सकते हैं. वो नहीं हाँ बिल्कुल. अच्छा अब ये देखें जॉब कमांड है रन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स एंड चैनल एलोकेट किया आपने उसका कोई नाम दिया C1 उसके डिवाइस टाइप डी डिस्क और फॉर्मेट का कीवर्ड दिया आपने इस चैनल के आगे तो आपने आगे पाथ दे दिया तो अब ये चैनल इस पाथ पे जाके राइट करेगा. और आपने बैकअप एज बैकअप सेट डाटा बेस दिया ये एज बैकअप सेट देना जरूरी नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट आर्मेन बैकअप सेट के थ्रू बैकअप लेता है. लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी कमांड ज्यादा क्लियर हो आप पढ़ के देख लें कि किस तरह का बैकअप ले रहा है तो बैकअप एज बैकअप सेट कर सकते हैं या बैकअप एज कॉपी की ऑप्शन भी है. बैकअप एज कॉपी करेंगे तो इमेज कॉपी बैकअप लेगा बैकअप एज बैकअप सेट करेंगे तो वो बैकअप सेट के थ्रू बैकअप लेगा. एज कॉपी में जो होगा वो लॉजिकल बैकअप होगा. नहीं नहीं वो इमेज कॉपी होगा हर डाटा फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर देगा. ये जो
लॉजिकल इसके थ्रू नहीं है, फिजिकल बैकअप। वो इमेज होता है और वो, हाँ जैसे आप ओएस में से किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करना है। हाँ तो इसमें ये है कि रिपीट चैनल वन ये फॉर्मेट मतलब डिस्क और फॉर्मेट ये दे दिया, ठीक है, और रिपीट चैनल टू उसमें मैं दूसरी डिस्क मतलब किसी और तो सही बैकअप सेट बनेगा। हाँ ये कम्प्लीट कलेक्शन ऑफ बैकअप पीसेस। हाँ तो ये आपका एक कंप्लीट बैकअप होगा, फिर ये दोनों पीसेज आपको चाहिए जो दो डिफरेंट लोकेशन पर पड़े, पूरी डाटा बेस को रिकवर करने। बैकअप सेट डिफरेंट, हर चैनल अपना बैकअप सेट बनाता है। अच्छा। हर चैनल एक बैकअप सेट, दो चैनल है तो दो बैकअप सेट बनेंगे, लेकिन ये दोनों इनपुट होंगे रिस्टोरेशन के लिए। बिल्कुल, ये दोनों एक कंप्लीट डाटा बेस के बैकअप के लिए का कंप्लीट बैकअप होगा डाटा बेस का, ठीक है, ये दोनों डुप्लीकेट नहीं होंगे, ठीक है ना। और आरमैन के प्रॉम्प्ट के ऊपर आपने कोई एसक्यूएल की कमांड रन करनी हो तो एसक्यूएल का कीवर्ड देके सिंगल कोट में कमांड दी जाती है, जैसे अल्टर सिस्टम आर्काइव लॉग करंट या अल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल की कमांड है, वो आपके एसक्यूएल प्लस पे दी जा सकती है, आरमैन के ऊपर नहीं। तो आरमैन पे अगर आपने देनी हो तो एसक्यूएल का कीवर्ड देके सिंगल कोट में वो फिर कमांड देनी होती है, अदरवाइज वो एरर देती है। लेट्स से आपने लॉग फाइल स्विच करनी है और फिर उसका बैकअप लेना, क्योंकि लॉग फाइल स्विच करेंगे ना तो आर्काइव जनरेट होगी ना, अदरवाइज वो बैकअप नहीं ले सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं बैकअप लेने के बाद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सारा कुछ, यानी कि यहीं से हम क्या करते हैं लॉग स्विच चक्कर करते हैं ताकि आर्काइव जनरेट हो जाए, फिर कम बैकअप ले लेते हैं। अच्छा, कन्फिगरिंग योर डेटाबेस फॉर बैकअप एंड रिकवरी ऑपरेशन, ऑपरेट द डेटाबेस इन आर्काइव लॉग मोड। आर्काइव लॉग मोड में क्या होता है कि आपके ऑनलाइन रेडियो लॉग ग्रुप जैसे फिल होते हैं, आर्काइवर उनकी कॉपी बना के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी पर्टिकुलर नाम से स्टोर करना शुरू कर देता है, वो दीज आर कॉल्ड आर्काइव्स। और कॉन्फ़िगर द फ्लैश रिकवरी एरिया या फास्ट रिकवरी एरिया आपकी बैकअप फाइल्स कंट्रोल डाटा फाइल्स के बैकअप आर्काइव्स हो, बाइट भर फ्लैश रिकवरी एरिया में जाएंगे अगर आपको लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करते तो, ठीक है, अगर आपने फ्लैश रिकवरी एरिया कन्फिगर किया हुआ है। आर्काइव लॉग मोड में क्या होता है कि आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में रन हो रही है, तो जैसे एक ऑनलाइन रेडियो लॉग ग्रुप फिल होगा तो लॉग से चक्कर होगा तो आर्काइवर उस ग्रुप की कॉपी बना के किसी जगह पे स्टोर करना शुरू कर देगा। हाँ जी, हाँ वो डीबीएस में रखेगा या आपकी अपनी मर्जी की लोकेशन फॉर्मेट का कीवर्ड देंगे तो आपके, हाँ तो फ्लैश रिकवरी एरिया इज नॉट मैंडेटरी फॉर आरमैन। हाँ फॉर आर्काइव लॉग फॉर आरमैन किसी केस में भी वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कन्फिगर कर लेंगे, आप कन्फिगर कर भी लें और आप चाहते हैं कि यार मेरी आर्काइव से इतना स्टोर हो, मेरे बैकअप से इतना स्टोर हो, तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। आर्काइव लॉग मोड कैसे कन्फिगर करते हैं जी, दो ऑप्शन है आपके पास, इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू या एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू। इंटरप्राइज मैनेजर में आर्काइव लॉग मोड का चेकबॉक्स है वो क्लिक कर लें और यस पे क्लिक करें, वो डेटाबेस को रीस्टार्ट करेगा, माउंट करेगा, अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग करेगा और अल्टर डेटाबेस ओपन कर देगा, ये सारा काम वो ऑटोमेटिकली खुद ही कर देगा। कहां से करेगा इसको देख लेते हैं, कमांड लाइन से हमने ऑलरेडी किया था, मुझे स्टेप्स बताइएगा कमांड लाइन से हमने कैसे किया था, साथ साथ ये टेस्ट भी हो रहा है। उससे पहले अगर आप डेस्टिनेशन सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं, लॉग आर्काइव डेस्ट 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इंटरप्राइज मैनेजर में आप अवेलेबिलिटी में जाएंगे, इसमें रिकवरी सेटिंग्स और अगर आप सिस यूजर से कनेक्टेड हैं तो आपको ये ऑप्शन देगा, अगर सिस्टम से कनेक्टेड है तो ये ग्रे आउट आएगा, ठीक है। हाँ तो आप इसको अनचेक हुआ अगर है तो नो आर्काइव मोड में चेक करेंगे, उसको नीचे अप्लाई या ओके करेंगे तो आपसे पूछेगा रीस्टार्ट करूं, वो रीस्टार्ट करेगा, अमाउंट स्टेज भी लेके आएगा, आर्काइव मोड में कन्वर्ट करेगा, डेटाबेस ओपन कर देगा। यहां से भी कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एसक्यूएल प्लस पे जाके डेटाबेस को शट डाउन करें प्रॉपर तरीके से, स्टार्टअप माउंट करें और फिर अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग की कमांड दें और डेटाबेस को अल्टर डेटाबेस ओपन करें, ठीक है। डेस्टिनेशन पहले स्पेसिफाई कर लें या बाद में कर लें, इट डजंट मैटर, ठीक है। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस इज टू क्रिएट मल्टीपल डेस्टिनेशन, इफ यू हैड ओनली वन इट वुड फिल अप द डेटाबेस वुड स्टॉप, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस इसकी टिप है और ये करनी चाहिए,
अच्छा लोकल और रिमोट डेस्टिनेशन करनी हो तो लॉग आर्काइव टेस्ट एन के पैरामीटर है, एन मीन्स के 1, 2, 3, 4 अप टू 30, 31 पैरामीटर है, ठीक है। और सिर्फ लोकल डेस्टिनेशन करनी है तो लॉग आर्काइव टेस्ट का और लॉग आर्काइव डुप्लेक्स टेस्ट का, तो दोनों में से कोई एक सेट कर सकते हैं आप। तो ये हम नहीं करते लोकल डेस्टिनेशन, हम एक्चुअली क्या करते हैं लॉग आर्काइव टेस्ट एन वाले पैरामीटर सेट करते हैं 1, 2, 3, 4 वाले, जहां पे जाके आर्काइव जनरेट होती है, ठीक है। गारंटी का आर्काइव लॉग सक्सेस, लॉग आर्काइव मीन सक्सेस टेस्ट का पैरामीटर है, वो अगर आप सेट करते हैं तो क्या होगा, ये लेट्स से टू सेट दो जगह पे, यस, तो मिनिमम दो लोकेशन पे, या हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मिनिमम दो लोकेशन के ऊपर वो जब तक आर्काइव जनरेट नहीं हो जाएगी उस वक्त तक वो रेटू लॉग ग्रुप को ओवरराइड करने के लिए अवेलेबल नहीं करेगा, यानी कि उसको इनएक्टिव मार्क नहीं करेगा, वो एक्टिव रहेगा तो वो ओवरराइड नहीं हो सकेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी रिटेंशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले दफा डिस्कस करेंगे। रिटेंशन पॉलिसी डिस्क्राइब्स विच बैकअप्स विल केप्ट एंड फॉर हाउ लॉन्ग, कंट्रोल फाइल के अंदर वो बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन कब तक रहेगी और कौन से बैकअप्स की रहेगी। टू टाइप्स ऑफ रिटेंशन पॉलिसीज, रिकवरी विंडो के थ्रू हो सकती है या रिटेंसी के ऑप्शन के थ्रू हो सकती है, और ये दोनों जो रिटेंशन पॉलिसीज हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है, दोनों में से कोई एक सेट कर सकते हैं, अब ये नहीं कर सकते दोनों सेट कर लेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो चीजें होती हैं वो दोनों में से या एक चीज की जा सकती है या दूसरी चीज की जा सकती है, दोनों एट अ टाइम नहीं की जा सकती। अगर आप रिकवरी विंडो रखते हैं बैकअप रिटेंशन, तो उसमें आप बताते हैं कि कितने दिनों के बैकअप्स आपके पास पड़े हैं, और रिटेंडेंसी रखते हैं तो कितने नंबर ऑफ बैकअप्स पड़े हैं, रिटेंडेंसी में नंबर ऑफ बैकअप्स बताते हैं और रिकवरी विंडो में डेज बताते हैं कि कितने दिनों के बैकअप्स आपके पास होने चाहिए। और ये सेट कहां से करते हैं, इंटरप्राइज मैनेजर में आप ऑप्शन अवेलेबल है, और आरमेन के प्रॉम्प्ट पे भी आप जाके इसको सेट कर सकते हैं, आरमेन इन्वोक करें, टारगेट डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल किया था हमने, शो जी जी शो ऑल की कमांड है, तो उसमें आपको ये बताएगा, जैसे यहाँ पे देखें कॉन्फ़िगर, ये कमांड्स पूरी एज इट इज दी हुई है, आप सिंपली ये कमांड कॉपी करें अपने हिसाब से चेंज करें। लेट्स से मैं इसको 30 डेज करना चाहता हूँ, ये पूरी कमांड कॉपी करूंगा 7 की बजाय 30 कर दूंगा, कमांड रन कर दूंगा, तो ये मेरी सेटिंग सेव हो जाएंगी। कहाँ पे, इसी डेटाबेस की कंट्रोल फाइल में, जिस डेटाबेस को के साथ में कनेक्टेड हूँ उसकी कंट्रोल फाइल में सेव हो जाएंगी, और जब भी बैकअप्स होंगे वो 30 डेज तक या जितने दिनों आपने रिटेंशन पॉलिसी बताई उतने टाइम तक वो कंट्रोल फाइल में पड़े रहेंगे, उसके बाद उनको ऑब्सोलीट मार्क कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये यहां से जब आप आरमेन से कॉन्फ़िगर की कमांड के थ्रू करेंगे तो खुद ही हो जाएगा, आपको अल्टर सिस्टम से अल्टर डेटाबेस से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप ये कमांड आप सिंपली मैं इसको 10 डेज करना चाहता हूँ, ये आरमेन शो ऑल करेंगे तो ये पूरी कमांड आपको एज इट इज दिखा देगा, इसको 10 डेज कर लेंगे, अब ये सेव हो गए, अब हमें और कुछ भी करना है, कंट्रोल फाइल में जाकर सेव हो गए, ये डायनेमिक है। कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिटेंसी, डिफॉल्ट में रिटेंडेंसी होती है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं लेट्स से रिटेंडेंसी 10 करें, ठीक है, रिटेंडेंसी और नंबर ऑफ रिटेंडेंट बैकअप, आप ये भी कह सकते हैं कोई आपने कॉन्फ़िगर किया कोई पैरामीटर उसको डिफॉल्ट पे वापस लेके आना चाहते हैं तो पूरा पैरामीटर कॉपी करें और एंड पे क्लियर लिख दें तो उसको वापस डिफॉल्ट वैल्यू पे ले आएगा जो भी डिफॉल्ट। सर डेटाबेस बैठा होगा उसको डिलीट करेगा या उसकी एंट्रीज को डिलीट करेगा? डिलीट कुछ भी नहीं करेगा, ये सिर्फ उसको ऑब्सोलीट मार्क कर देगा और फिर आपको खुद डिलीट करेंगे आप, डिलीट ऑब्सोलीट की कमांड है आरमेन के प्रॉम्प्ट के ऊपर आके ना। अब जब लेट से आप करते हैं जी लिस्ट बैकअप, ठीक है, तो आपको सारे बैकअप दिखाएगा, आप करेंगे रिपोर्ट ऑब्सोलीट बैकअप, रिपोर्ट बैकअप ऑफ डेटाबेस, रिपोर्ट बैकअप, रिपोर्ट ऑब्सोलीट, हाँ सिर्फ रिपोर्ट ऑब्सोलीट, मेरे पास कोई ऑब्सोलीट बैकअप्स नहीं है, तो अगर कोई होते तो मुझे बताते थे ये बैकअप्स हैं ऑब्सोलीट हो गए हुए, तो मैं करता डिलीट ऑब्सोलीट, और ये आरमेन के प्रॉम्प्ट से ही करने हैं आपने सारे, ठीक है। जी फिजिकल फाइल्स को भी डिलीट कर देगा, हाँ फिजिकल बैकअप फाइल्स को भी डिलीट कर देगा, और यही जगह पे
हाँ नहीं उसको पता क्योंकि कंट्रोल फ्रेम इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे बेहतर एंड पे क्लियर लिखते हैं या अभी आगे आएगा कवर करेंगे इसको ठीक है। और यही सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं एंटरप्राइज मैनेजर में अवेलेबिलिटी के टैब पे आए इसमें बैकअप सेटिंग्स में आए हाँ जी तो इसमें पैरेललिज्म का ऑप्शन है वो सेट कर सकते हैं बैकअप लोकेशन सेट कर सकते हैं बैकअप सेट्स की चीजें हैं पॉलिसीज जैसे इसमें ऑटो बैकअप आप सेट कर सकते हैं एंड ऑन बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको डिस्कस करते हैं डिटेल अच्छा रिकवरी विंडो अगर आपने रिटेंशन पॉलिसी रखी आपने लिखा जी रिकवरी विंडो ऑफ 7 डेज तो क्या होगा 7 दिनों के बैकअप की इन्फॉर्मेशन बाकी ऑब्सोलीट कर देगा लेकिन वो इंटेलिजेंट है थोड़ा वो कैसे करेगा ये देखते हैं अच्छा वो ये करेगा जी कि नेट से आपने 7 डेज रखी रिटेंशन रिटेंशन आप 7 डेज रखी आपने ये आपका आर्काइव का बैकअप है ये आपका जो जो आपको आ रहे हैं ना नहीं ये आर्काइव नहीं है ये आपका एक बैकअप है दिस इज योर बैकअप ये बैकअप ए है ये बैकअप बी है ये बैकअप सी है इस दौरान आपके ये बैकअप के दरमियान ये आपके आर्काइव्स के बैकअप हैं इस वक्त आप इस स्टेज में आपकी जो रिकवरी विंडो है वो 7 डेज है इस वक्त ये स्टेज है अगर आप 7 डेज वापस जाएं तो यहाँ इस पोजिशन पे आप बनते हैं ठीक है जी इसका मतलब है कि इससे जो पिछले बैकअप हैं वो ओरेकल क्या करेगा ऑब्सोलीट मार्क करेगा जो ऑब्सोलीट बैकअप मार्क हो जाए वो रिस्टोर नहीं हो सकते ओरेकल इनको रिस्टोर नहीं करता ठीक है आप अगर लेट से हार्ड ड्राइव पे अगर है नहीं वो जब ऑब्सोलीट अगर मार्क हो जाए ना कोई बैकअप तो वो बेशक हार्ड ड्राइव पे है जहां मर्जी है वो इनको अटेम्प्ट नहीं करता रिस्टोर क्योंकि वो ऑब्सोलीट मार्क हो जाते हैं ठीक है हाँ लेकिन आप उनको डिलीट करके दोबारा से पॉपुलेट भी करा सकते हैं ठीक है दोबारा से कंट्रोल फाइल के अंदर इनकी इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट कराई जा सकती है हाँ वो अपने आगे देखेंगे अभी आप वहाँ की बिल्कुल बेसिक चीजें देख रहे हैं हाँ हाँ ऑप्शन यानी कि डिलीट करके दोबारा से पॉपुलेट कर दें वो रिटेंशन दोबारा से अप्लाई होना शुरू हो जाएगी ठीक है ये 10G कन्वर्ट है 9 9 का अच्छा जब आप रिकवरी करते हैं ना रीस्टोर एंड रिकवरी तो आप क्या करते हैं लेट से आपने लिया जी संडे को बैकअप फुल बैकअप को आपने फुल बैकअप लिया और ट्यूसडे को आपके आपकी डेटाबेस क्रैश करके और रिस्टोर करना पड़ा आपको एक डाटा फाइल या सारी रिस्टोर करनी पड़ेगी दूसरा तरीका क्या होगा कि फुल बैकअप में से पहले फाइल रिस्टोर करेंगे उसके बाद उसके ऊपर रिडू अप्लाई करेंगे ऐसे ही होगा ना अच्छा इस केस में अगर हम देखें अगर यहां पर फेलियर अगर हो जाता है इस स्टेज पे तो क्या होगा कौन सा बैकअप रिस्टोर करना पड़ेगा कैसे करेंगे ये एक स्टेज है सर फुल बैकअप लास्ट कौन सा है ये आपको नजर आ रहा है ये सी बैकअप रिस्टोर करेंगे और उसके बाद रिकवरी करेंगे ऐसे ही हो जाएगा ये ठीक है यानी कि यहां से लेकर यहां तक अगर कोई भी किसी भी टाइम की मुझे रिकवरी करनी पड़े लेट से ये बनते 3 दिन ये जो ड्यूरेशन है वो 3 डेज इन 3 दिनों के दौरान अगर मुझे कभी रिकवरी करनी पड़े तो मैं इस बैकअप को यूज करके रिकवरी कर सकता हूं ठीक है गौर से सुनिएगा अच्छा अब अगर देखिएगा जी अब अगर मेरी डेटा पे यहां पे आके इस पॉइंट इन टाइम पे कोई फाइल करप्ट हो जाती है तो मैं क्या करूंगा बी और बी टाइम लेकिन वो तो बी तो आपकी रिकवरी विंडो से बाहर निकल गया वो ये बी तो रिकवरी विंडो से बाहर आई है देखें रिकवरी विंडो आपकी यहां से लेकर यहां तक है और कोई तरीका अपना सर ये एक तरीके से यहाँ पे आगे स्टार्ट करेंगे नहीं लेट्स से नहीं या हमें ये कह दें कि हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम तक बैकअप डेटाबेस को रिस्टोर करना हमें कहा जाता है कि इस स्टेज पे यानी कि ये जो डे था ये डे एंड टाइम था मुझे इस वक्त डेटाबेस की जो स्टेट थी वो मुझे रिस्टोर कर देने लेकिन बी देखें अब हम करंटली स्टेज पे हैं और हमें ये कहा ये जा रहा है कि आप इस स्टेज पे ले जाए डेटाबेस को और इस स्टेज पे लेके जाने के लिए रिकवरी विंडो के अंदर अंदर जितने बैकअप्स होंगे वो आपके अवेलेबल होंगे उससे बाहर जितने वो ऑब्सोलीट मार्क होंगे तो ये तो बैकअप ऑब्सोलीट होगा फिर क्यों नहीं करेगा नहीं ओरेकल इसको ऑब्सोलीट नहीं करेगा हालांकि ये रिकवरी विंडो से बाहर है लेकिन ओरेकल इसको ऑब्सोलीट नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा
ओरेकल विल मेक श्योर कि आपने रिकवरी विंडो जितनी भी दी हुई है उस रिकवरी विंडो के अंदर रहते रहते आपको किसी भी टाइम तक रिस्टोरेशन के ऑप्शन दे। अब अगर आप यहां पे रिस्टोर करना चाहते हैं इस लेवल तक, तो उसके लिए आपको एक लास्ट फुल बैकअप चाहिए जो कि रिकवरी विंडो से बाहर है। तो ओरेकल देखेगा यार इस रिकवरी विंडो के अंदर ये जो पोर्शन है इसको रिकवर करने के लिए उसके पास कोई फुल बैकअप नहीं है, वो जो फुल बैकअप है वो रिकवरी विंडो से बाहर आ रहा है। ओरेकल उसको ऑब्सोलीट मार्क नहीं करेगा जब तक कि ये आपकी जो रिकवरी विंडो जो एंड स्टेज है वो एटलीस्ट यहां तक नहीं आ जाती, उसके बाद ये पिछले बैकअप ऑब्सोलीट मार्क हो जाएंगे, उस वक्त तक ये ऑब्सोलीट मार्क नहीं करेगा। जो मर्जी बिल्कुल बिल्कुल जितनी मर्जी निकल जाए वो कंडीशन उस केस में, तो ये रिकवरी विंडो जो मर्जी इशू वो नहीं करेगा। ठीक है जी, तो यहां पे अगर देखें अगर आप बैकअप बी एंड आर्काइव लॉग्स 201 थ्रू 50 आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई दिस रिटेंशन पॉलिसी, ठीक है बैकअप बी और उसके बाद की आर्काइव चाहिए तो इसलिए वो उनको रिटेन रखेगा। सही समझा, 500 तक क्यों चाहिए, 400 तक वो तो भी चल जाएगा। नहीं लेकिन इस वक्त आपने कंप्लीट रिकवरी करनी है ना, 500 तो इस वक्त है ना, आप यहां से लेकर अब एक्चुअली तो रिकवरी विंडो आपकी इतनी है, ये आपकी रिकवरी विंडो, लेकिन वो क्या करेगा एक्चुअली जो वो मेंटेन करके रखेगा ना यहां से लेकर यहां तक मेंटेन करके रखेगा, वो ये पॉइंट इन टाइम चाहिए 3.5 जहां मर्जी भी चाहिए, जहां मर्जी चाहिए आपको। देखें रिकवरी वो आपको क्या करेगा, वो इस रिकवरी विंडो के अंदर अंदर चाहे आप यहां तक रिकवरी करना चाहें, चाहे यहां तक करना चाहें, चाहे यहां तक करना चाहें, चाहे यहां तक करना चाहें, इस विंडो के अंदर रहते हुए आपको रिकवरी करने की ऑप्शन देगा। बैकअप सी में तो आपके पास कोई बैकअप है नहीं, नहीं वो देखें वो ये कह रहा है यहां से लेकर वो यहां से स्टार्ट करेगा और अप टिल यहां तक सारा कुछ अपने पास रखेगा, उसमें ये बैकअप भी आ जाएंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है ना, सी से अगर ये हमने रिकवरी करनी हो तो उससे पिछला फुल बैकअप एब्सोल्यूट मार्क नहीं करेगा, नहीं करेगा हाँ, बैकअप सी से उसकी रिकवरी में वो आगे नहीं निकल जाती। 500 तक चाहिए ना, इसी के बाद चाहिए। नहीं नहीं वो तो देखें वो ये नहीं कह रहा कि बी के बाद चाहिए या पहले चाहिए, वो ये कह रहा है कि आपके कितने बैकअप्स वो रिटेन करके रखेगा, कितने बैकअप्स को अवेलेबल एक्सपायर मार्क नहीं करेगा। ठीक है, ये तो वैसे भी एक्सपायर मार्क नहीं होंगे ना, ये दो एक्स्ट्रा बैकअप्स रखेगा, वो ये बता रहा है कि यानी कि वो रिकवरी विंडो का मतलब ये नहीं कि यहां से लेकर यहां तक नहीं वो रिटर्न रखेगा, बल्कि यहां से लेकर यहां तक रिटर्न रखेगा, वो ये कहना चाह रहा है। हाँ जी, ओ सॉरी मास पढ़ फास्ट रिकवरी एरिया या फ्लैश रिकवरी एरिया, ये सेंट्रलाइज्ड एरिया है ओरेकल 10G ऑनवर्ड, जहां पे आपकी सारी बैकअप रिलेटेड फाइल्स और फ्लैशबैक आर्काइव्स, आर्काइव लॉग फाइल्स, इमेज कॉपीज, कंट्रोल फाइल्स की कॉपीज, वो सारी की सारी इस एरिया में रखी जाती है। इस एरिया की रिटेंशन होती है, इस एरिया को कोई साइज होता है। ठीक है, दो तरह के आइटम्स होते हैं आपके फ्लैश रिकवरी एरिया में या फास्ट रिकवरी एरिया में, परमानेंट आइटम्स हैं और ट्रांजिएंट आइटम्स हैं। परमानेंट में आप मल्टीप्लेक्स करें कंट्रोल फाइल को तो एक कॉपी इधर रखें, मल्टीप्लेक्स करें रीडू लॉग ग्रुप्स को तो एक कॉपी उनके इधर रखें, एक रीडू फाइल इधर रख दें, तो वो परमानेंट आइटम्स है, वो डिलीट नहीं हो सकते क्योंकि वो रन टाइम पे चाहिए होते हैं। ट्रांजिएंट आइटम्स हैं जिन पे रिटेंशन पॉलिसी अप्लाई होती है, आर्काइव रीडू लॉग फाइल्स हैं, डेटा फाइल्स की कॉपीज हैं, इमेज कॉपी की बात कर रहे हैं, कंट्रोल फाइल्स की इमेज कॉपीज हैं, कंट्रोल फाइल के बैकअप्स हैं, बैकअप पीसीज हैं जो आर्मिन के थ्रू आप लेते हैं, और फ्लैश बैक लॉग्स हैं, ये सारी इस एरिया में पड़ी होती हैं और इन पर रिटेंशन अप्लाई होती है और वहां से टाइम एंड अगेन डिलीट कर दी जाती है। इसलिए मेक श्योर कि अगर आप बैकअप ले रहे हैं और बैकअप फ्लैश रिकवरी एरिया में ले रहे हैं तो वहां से आप उसको ऑफ लोकेट जरूर करें, अदरवाइज वो डिलीट हो जाएगा और कभी चाहिए हो तो पता चले बैकअप ही नहीं है डिस्क के ऊपर। ठीक है, फ्लैश रिकवरी एरिया डिफाइन कैसे करते हैं, पैरामीटर्स हैं डिफरेंट, एक है डीबी रिकवरी फाइल डेस्क साइज, शायद हमने ऑलरेडी किया हुआ है, किसी को करनी हो ना तो पूछ ले, बेशक हमने किया हुआ है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा करें तो हम दोबारा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा, ये नहीं कि हमने किया हो तो हम दोबारा नहीं करेंगे, कोई इश्यूज हो तो क्वेश्चंस करें। अच्छा, डीबी रिकवरी फाइल डेस्क साइज का पैरामीटर है जो कि ये बताता है कि ये जो फ्लैश रिकवरी एरिया या फास्ट रिकवरी एरिया आप बनाएंगे उसका साइज कितना रखना चाहते हैं आप, तो वो उतनी स्पेस आपको पाई करने देगा जिस पे बेशक जितनी मर्जी स्पेस हो, जितना आप इसमें साइज बता देंगे सिर्फ उतनी फाइल्स उसमें स्टोर हो सकेंगी, उससे ज्यादा नहीं स्टोर करने देगा। और डीबी रिकवरी फाइल डेस्क का पैरामीटर है जो कि ये लोकेशन इसमें आप स्पेसिफाई करेंगे कि कहां पे, हाँ कहां पे ये फ्लैश रिकवरी एरिया बनाए। ठीक है, जैसे यहां पे देखें उसने फ्लैश रिकवरी एरिया प्लस FRA किया, अगर डिस्क ग्रुप बनाना चाहते हैं तो प्लस और आगे डिस्क ग्रुप का नाम बताएंगे और उसका आप साइज बताएंगे, और ये कहां से करेंगे, इंटरप्राइज मैनेजर से भी कर सकते हैं और कमांड लाइन से कर सकते हैं, बिल्कुल रन टाइम पे चेंज हो सकता है। इंटरप्राइज मैनेजर में अगर आप अवेलेबिलिटी के टैब पे आए और इसमें रिकवरी सेटिंग्स,
अवेलेबिलिटी के टैप हैं, इसमें रिकवरी सेटिंग्स, उसमें आपके पास ये जी फ्लैश रिकवरी एरिया, ये हमारे केस में U01 फ्लैश में का एक फोल्डर है वहां पे, और 10 GB इसका साइज है, और आप यहां से इसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये चेंज करेंगे फ्लैश, अगर आपने कन्फिगर करना हो तो यहां पे सिंपली आप पाथ देंगे, यहां पे इसका साइज देंगे, और यहां पे आके अप्लाई कर देंगे। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ ये पैरामीटर जस्ट सेट करने होते हैं, फ्लैश रिकवरी एरिया बन जाता है, फ्लैश बैक मोड में नहीं आई डेटाबेस, फ्लैश रिकवरी एरिया बन जाएगा, आपके बैकअप्स, आपकी आर्काइव्स, वो बाय डिफॉल्ट इस एरिया में जाना शुरू हो जाएगा। फिर आप अपनी मर्जी से लोकेशन बताएंगे, ये एरिया जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में कन्फिगर किया था, तो अगर आपने ये एरिया कन्फिगर किया हुआ है, तो फिर आर्काइव लॉग मोड में डेटाबेस डालने के लिए सिंपली एक ये काम यह करना पड़ेगा, डेटाबेस शटडाउन करें, स्टार्टअप माउंट करें, ऑल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग करें। अब आर्काइव लॉग मोड में डेटाबेस हो जाएगी, आर्काइव कहां पे जाएंगी, फ्लैश रिकवरी एरिया। लेकिन अगर फ्लैश रिकवरी एरिया आपने कन्फिगर नहीं किया हुआ, तो फिर आप आर्काइव लॉग मोड में जब डेटाबेस कन्वर्ट करेंगे, तो आपको डेस्टिनेशन बतानी पड़ेगी, लॉग आर्काइव टेस्ट 1, लॉग आर्काइव टेस्ट 2, लॉग आर्काइव टेस्ट 3 के पैरामीटर्स हैं, उनमें से कोई पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, फिर आर्काइव वहां पे जाएंगे, ठीक है। अगर आपका फ्लैश रिकवरी एरिया सेट हुआ, तो फिर आपको डेस्टिनेशन सेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सेट कर भी सकते हैं। जी जी वही वाले पैरामीटर, इसके लिए वो जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें, तो आप चाहते हैं कि आपके आर्काइव फ्लैश रिकवरी एरिया में ना जाएं, तो फिर आप वो सेट करें, कुछ भी नहीं। फिर देखें, फिर आप अल्टरनेट कर सकते हैं, प्राइमरी लोकेशन ही होगी, इसके अल्टरनेट भी और सेट करते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, खुद वो कैसे आएगा ये देखिएगा जरा। एक्चुअली जब आप फ्लैश रिकवरी एरिया कन्फिगर कर लें, आप डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में करें ना, तो आपका जो लास्ट पैरामीटर होता है ना, इसमें लॉग आर्काइव डेस्ट वाला, लॉग आर्काइव डेस्ट लॉग आर्काइव डेस्ट 31, इस पैरामीटर में जो वैल्यू सेट हो जाएगी। अगर आप लेट से आपने फ्लैश रिकवरी एरिया कन्फिगर किया हुआ है, आपने कोई डेस्टिनेशन का पैरामीटर सेट नहीं किया, डेटाबेस शटडाउन की, माउंट की, अल्टर डेटाबेस आर्काइव ना किया, ओपन कर दिया, अब आपका फ्लैश रिकवरी एरिया डिफॉल्ट सेट हो जाएगा जहां पे आपकी आर्काइव जाएंगे, तो ये लास्ट पैरामीटर में जाके ये वैल्यू सेट कर देगा, ये करेगा यूज _db _recovery _file _test, ठीक है। तो ये वैल्यू सेट हो जाएगी किसी भी, आप अपनी मर्जी से किसी पैरामीटर में सेट करते हैं, अदरवाइज होती सेट हो जाएगी, ये वैल्यू अगर सेट हुई हो तो इट मीन्स कि आपकी आर्काइव फ्लैश रिकवरी एरिया में जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे बाकी वेरिएबल ना लिए, उनमें कुछ वैल्यू नहीं आ रही। हाँ, उसमें कुछ नहीं आ रही, ये खुद ही डालेगा ना, ये खुद ही डालेगा, बिल्कुल 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 डिफॉल्ट में ये वैल्यू। अगर हम खुद रिकवरी एरिया का एड्रेस दे दें तो तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। किसी भी ना दें या दें, डजंट मैटर, ठीक है। और फिर आप ये जिस पैरामीटर में ये यूज डीबी रिकवरी फाइल डेस्ट सेट हुआ है, बेहतर यह है कि आप ये कीवर्ड यूज करें, और ये सेट हुआ है तो इसके आगे अल्टरनेट करना चाहते हैं तो वही मेथड है, इसको दोबारा से सेट करके इसके आगे अल्टरनेट और आगे लॉग आर्काइव टेस्ट मोड या टू या जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई इश्यूज, इट शुड बी वेरी क्लियर यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूज जरा भी नहीं होनी चाहिए, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, स्पेस मैनेजमेंट कैसी होती है जी फ्लैश रिकवरी एरिया में, ये फास्ट रिकवरी एरिया में आपके डेटा फाइल्स के बैकअप्स पड़े हुए हैं, लेट्स से मल्टीपल बैकअप्स हैं, और क्या हुआ जी स्पेस लिमिट रीच होगी और एक नई फाइल ने फ्लैश रिकवरी एरिया में आना है, तो वो क्या करेगा जी, स्पेस प्रेशर को हुआ, वार्निंग आएगी, और फाइल्स दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ऑन डिस्क आर डिलीटेड, वो फाइल्स जिनकी रिटेंशन पूरी हो गई है उनको डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोई आर्काइव हो सकता है इधर पड़ी हो, वो डिलीट हो जाएंगी, कोई आपके बैकअप पड़े हो और डिलीट हो जाएंगे, तो इसलिए मेक श्योर करें कि फ्लैश रिकवरी एरिया में वो टेम्पररीली होनी चाहिए, परमानेंट अगर आपने रखी है तो वो उनको उठा के टेप पे शिफ्ट करते हैं, ओवर द नेटवर्क किसी ड्राइव पे मूव करते हैं या किसी और डिस्क पे मूव करते हैं, अदरवाइज फ्लैश रिकवरी एरिया से वो डिलीट हो जाएंगे। वैसे हम यूजली क्या करते हैं, हम बैकअप फ्लैश रिकवरी एरिया में नहीं लेते, क्योंकि वो फिर बैकअप होते हैं बहुत क्रिटिकल है, उदाहरण खासा गलती से बना भूल जाए वो फ्लैश रिकवरी एरिया के निर रह जाए और रिटेंशन खत्म हो जाए, तो फिर बैकअप अपनी लोकेशन फॉर्मेट का कीवर्ड देखिए, बैकअप डेटाबेस फॉर्मेट और आगे सिंगल कोड के पास नहीं, उसकी देखें उस एरिया की तो कोई रिटेंशन नहीं होती, इस एरिया की वो फाइल्स वो होती है बैकअप की इन्फॉर्मेशन की जो कंट्रोल फाइल के अंदर है, वो जो रिटेंशन होती है फिर जितने मर्जी 10 साल तक पड़े गए। और दूसरा ये है 10G ऑनवर्ड, अभी हमने थोड़े पहले ये कवर किए हैं चीजें बैकअप से रिटेंशन। अच्छा देखें, बैकअप की इन्फॉर्मेशन बैकअप होते हैं डिस्क के ऊपर,
या टेप के ऊपर, ठीक है। और बैकअप की इन्फॉर्मेशन कहां पे जाती है? कंट्रोल फाइल में, ये याद रखिएगा, बैकअप की इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में जाती है। अब वो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल क्योंकि लिमिटेड साइज की है, तो आप ये तो नहीं रख सकते, कर सकते 10 साल के बैकअप की इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में पड़ी हो, वो परफॉर्मेंस के इश्यूज में आएंगे आपको। तो सर्टन टाइम के बैकअप की इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में होती है, और जब वो सर्टन टाइम रीच हो जाता है तो उससे पुराने जितने बैकअप हैं उनको ऑब्सोलीट मार्क कर दिया जाता है, वो डिलीट नहीं किए जाते, उनको ऑब्सोलीट मार्क कर दिया जाता है। यानी कि कंट्रोल फाइल में एक बैकअप है, बैकअप नंबर वन, उसको ऑब्सोलीट मार्क कर देगा जब उसकी रिटेंशन खत्म होगी। रिटेंशन कैसे आप स्पेसिफाई करते हैं? आरमिन पे जाके बताते हैं जी रिटेंशन 7 दिन की है, 10 दिन की है, या रिटेंशन 30 बैकअप की है, नंबर ऑफ बैकअप रिटेंशन रख सकते हैं, या रिकवरी विंडोज या नंबर ऑफ डेज रख सकते हैं। अच्छा, बैकअप की बात करें, बैकअप इंक्रीमेंटल भी हो सकता है, कुछ कोई भी बैकअप हो सकता है, इमेज कॉपी है, इंक्रीमेंटल है, बैकअप सेट के थ्रू है, कंट्रोल फाइल का है, आर्काइव का है, किसी भी चीज का बैकअप है, ठीक है। आरमिन के थ्रू आप जो भी बैकअप लेने उस पर रिटेंशन लगेगी। रिटेंशन का मतलब ये है कि कंट्रोल फाइल में वो इन्फॉर्मेशन कितनी देर तक रहेगी, ओएस की फाइल्स के ऊपर नहीं लगेगी, कंट्रोल फाइल के अंदर इन्फॉर्मेशन कितनी देर तक रहेगी। देखिए, ओएस पे अगर आपके पास फाइल्स पड़ी हुई हैं और कंट्रोल फाइल में उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो फाइल्स आपके लिए यूजलेस है ना, आप उनको रिस्टोर नहीं कर सकते। तो ओरेकल क्या करता है, ऐसे बैकअप्स को ऑब्सोलीट मार्क करता है। अगर हमारे पास एक हमें रिकवरी करना पड़ गया तो पुरानी लेनी पड़ी जिसका कंट्रोल फाइल से इन्फॉर्मेशन निकल गई, तो फिर कैसे रिकवर करें? हाँ, 10G9i तक ये ऑप्शन नहीं था, 10G1 ये ऑप्शन है। अगर आपके पास वो बैकअप सेट्स और बैकअप पीसीज पड़े हुए, बैकअप पीसीज एक्चुअली होंगे आपके पास, वो बैकअप पीसीज पड़े हुए और कंट्रोल फाइल में से उनकी इन्फॉर्मेशन निकल चुकी है, तो आप दोबारा से उनकी इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट करा सकते हैं कंट्रोल फाइल, क्योंकि रिकवर करने के लिए इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट, हाँ वो आपको पॉपुलेट करानी पड़ेगी। वो फिर खुद ही हमें बता देती है कि ये बैकअप पीसीज है, वो उसके अंदर से वो बिल्कुल वो खुद ही कर ले, सारा कुछ कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको वो ये हम सारा करके देखेंगे, हम एक दूसरी मशीन पे लेके जाएंगे, वहां पे बैकअप की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, दोबारा से इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट करेंगे और रिस्टोरेशन करेंगे, ये सारे काम हम इंशाल्लाह करेंगे। आरमिन के लिए कंट्रोल फाइल ऑफलाइन बैकअप के लिए तो कंट्रोल फाइल होना मस्ट है, हाँ। ऑनलाइन स्टेटस के लिए भी सेम ही है, डेफिनेटली, मतलब कंट्रोल फाइल देखें, आरमिन बगैर कंट्रोल फाइल जब तक कंट्रोल फाइल एक्सेसिबल नहीं होगी आरमिन नहीं चल सकता, आरमिन बैकअप नहीं ले सकता जब तक कंट्रोल फाइल या रिस्टोर भी नहीं कर सकता। कैटलॉग हाँ, अगर कैटलॉग है, अगर कैटलॉग है तो फिर जरूरी नहीं है कि कंट्रोल फाइल, ठीक है। अभी हमने मे बी नेक्स्ट चैप्टर हमारा कैटलॉग के लिए वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप क्या करते हैं जी, फास्ट रिकवरी एरिया की रिटेंशन पॉलिसी बताते हैं और फिर आप रेगुलरली बैकअप लेते हैं और उनको डिलीट करते रहते हैं बैकअप में, अगर हम नहीं डिलीट करें वो होती डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शनली कॉन्फ़िगर एन आर्काइव लॉग डिलीशन पॉलिसी, आप आर्काइव लॉग की डिलीशन पॉलिसी बता सकते हैं, कितने अर्से के बाद उसे आर्काइव डिलीट हो जाए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आरमिन के रिपोर्ट ऑब्सोलीट और डिलीट ऑब्सोलीट के कमांड्स के थ्रू ऐसे बैकअप्स और उनकी इन्फॉर्मेशन जो कि कंट्रोल फाइल में पड़ी हुई है और वो रिटेंशन पॉलिसी उनकी खत्म हो चुकी है उनको डिलीट करें। अब ये देखें, अब रिटेंशन मल्टीपल लेवल पे, एक रिटेंशन है बैकअप्स की कंट्रोल फाइल के अंदर, एक रिटेंशन है फ्लैश रिकवरी एरिया की, तो ये आपस में मैच करनी चाहिए, जरूरी नहीं है आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके कंट्रोल फाइल में रिटेंशन 7 दिन की है और जो आपके फ्लैश रिकवरी एरिया और बैकअप वहां पे सारे पड़े वहां पे रिटेंशन 1 दिन की है, तो फिर इश्यू होगा 7 दिन के आपके कंट्रोल फाइल में वो जरूरी डिस्क करना चाहिए, हाँ फिजिकल में वो विषय कंट्रोल फाइल में, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए जो फ्लैश रिकवरी एरिया है उसकी रिटेंशन ज्यादा होनी चाहिए, या कंट्रोल फाइल और फ्लैश रिकवरी एरिया दोनों की रिटेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। या आप एटलीस्ट ये करें, रिटेंशन कंट्रोल फाइल की जो मर्जी है, आपके पास जो फिजिकल बैकअप है उनको अपने पास किसी जगह कॉपी करके रखते हैं, वो अगर कंट्रोल फाइल में से निकल भी जाएंगे तो दैट इज नॉट एन इशू। सर, हम जब फाइल्स का बैकअप ले लेते हैं, अभी तो फर्क करेंगे वो रिटेंशन अभी है, हमने बैकअप ले लिया तो हम उसको कैसे मार्क करते हैं कि हमने बैकअप ले लिया, इसको उड़ा दो आरमिन होती है उसका? नहीं, उड़ा कहां से दो, फिजिकली आर्काइव हटा दो, आर्काइव हटा दो, जिस तरह है ना डिलीट ऑप्शन, हाँ ये ऑब्सोलीट होता है कि जो बेसिकली जिनकी रिटेंशन पूरी होगी, जो टाइम पीरियड पूरा, अब ये इंस्पेक्टेड कि हमने उनके बैकअप लिए कि नहीं, हाँ ये तो ये हमने बात की, नहीं नहीं बैकअप किसके, उसके आर्काइव्स के, जी जी नहीं नहीं देखें ऑब्सोलीट हाँ बिल्कुल, आप ये जो बैकअप, ये जो ऑब्सोलीट रिपोर्ट ऑब्सोलीट और डिलीट ऑब्सोलीट है ना, ये बैकअप्स के सिलसिले में आर्काइव्स के लिए नहीं है ये एप्लीकेबल, ये याद रखिएगा। आप करते हैं बैकअप डेटाबेस, एक बैकअप हो गया, फुल बैकअप या कोई भी बैकअप, आप बैकअप डेटाबेस करते हैं, बैकअप टेबल स्पेस करते हैं, बैकअप डेटा फाइल करते हैं, बैकअप आर्काइव लॉग करते हैं, ये बैकअप्स हैं, ठीक है। इन बैकअप्स के लिए रिटेंशन पॉलिसी है, आर्काइव किसी जगह पड़ी हुई है, अगर वो फ्लैश रिकवरी एरिया में तो फ्लैश रिकवरी एरिया की रिटेंशन उस पर लगेगी, लेकिन अगर वो फ्लैश रिकवरी एरिया से बाहर है तो उन पर कोई रिटेंशन नहीं, वो आपको आपको खुद रिमूव करना है, ठीक है। उन्होंने मिक्स कर दिया था, आर्काइव के ऊपर ऐसे रिटेंशन नहीं लगती जब तक कि वो फ्लैश रिकवरी एरिया, हाँ मैनुअली आपको हाँ कंट्रोल फाइल के अंदर जो बैकअप की इन्फॉर्मेशन है उसके, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोमेटिकली क्या क्या चीजें होती हैं जी, अगर आपने फ्लैश रिकवरी एरिया किया हो तो आर्काइव लॉग के मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली होती है,
एंड इंक्रीज अवेलेबिलिटी बाय फेल ओवर ऑफ बैकअप टू ऑप्शनल डेस्टिनेशन. आप क्या करते हैं जी के आर्काइव्स या बैकअप्स आपने दो जगह पर रखे हुए हैं, फ्लैश रिकवरी एरिया में भी रखा हुआ है और बायर रिकोर्ड रेगुलेशन भी रखा है. फ्लैश रिकवरी एरिया से अगर डिलीट हो जाता है आप आरमेन से रिस्टोर करते हैं वो रिटेंडेंट दूसरा जो एरिया वहां से रिस्टोर कर लेगा. इसी तरीके से आर्काइव भी है. आर्काइव में आपने हमने दो डेस्टिनेशन दी हुई है और दोनों डेस्टिनेशन डुप्लीकेट है यानी वो फेल ओवर डेस्टिनेशन नहीं है, ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन नहीं है. उस केस में वो क्या करेगा, फेल ओवर खुद ही कर लेगा. यानी आर्काइव फ्लैश रिकवरी एरिया में जनरेट हुई थी, दूसरी जगह पर भी जनरेट हुई थी, फ्लैश रिकवरी एरिया से डिलीट होगी, रिकवरी करते वक्त दूसरे एरिया से खुद ही उठा लेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने रिकॉर्ड किया हुआ है या आर्काइव उसने दो जगह पर जनरेट किया. लेकिन ये इसका ट्रेड ऑफ है परफॉर्मेंस, दो दफा एक मॉनिटर कर सकते हैं जी फ्लैश रिकवरी एरिया को. क्या चीज वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, वो फ्लैश उसका है फ्लैश तो वर्चुअल पे इंटरनेट भी कन्फिगर कर सकते हैं ना आप, इसको नेट कर लें, ब्रिज भी हो जाएगा, ब्रिज भी हो करके वहां पे डायरेक्ट डाउनलोड कर लें तब भी हो जाएगा. ठीक है, फ्लैश का भी एरिया को मॉनिटर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे ये देखें आपको बता रहे थे कि स्पेस कंजम्पशन किस तरीके से रही पिछले कुछ टाइम के अंदर, तो आपको वो सारी डिटेल बता रहा होगा कि स्पेस कंजम्पशन किस तरीके से उसको मैनेज करें. बेनिफिट्स क्या है जी, सिंप्लीफाइज द लोकेशन ऑफ डेटाबेस बैकअप्स, ऑटोमेटिकली मैनेजेस द डिस्क स्पेस एलोकेटेड फॉर रिकवरी रिलेटेड फाइल्स. लेकिन ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स ये हैं कि आपकी फाइल्स डिलीट हो जाएगी और ऐसी फाइल्स भी हो सकता है डिलीट हो जाएं जो आपको चाहिए, क्रिटिकल फाइल्स वहां पर. ठीक है, कोई एक आर्काइव आपने आपने एक बैकअप लिया उसके बाद आपकी कोई एक आर्काइव भी डिलीट होगी तो आप वो उस बैकअप के थ्रू उस पर्टिकुलर आर्काइव तक रिकवरी कर सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते आप, क्योंकि सीक्वेंस में एक मिस होगी आर्काइव तो क्रिटिकल है, इसे देख के आपने करना है. हाँ जी प्रोडक्शन में जो आर्काइव होती है वो आप करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग नहीं करते, डेटा फाइल्स के आर्काइव्स के भी आप ले सकते हैं. बैकअप आर्काइव लॉग की कमांड है, अगर आपने आर्काइव का बैकअप लेना हो आर्मेन के थ्रू तो वो भी बैकअप सेट ही होगा. बैकअप सेट क्या होता है, ओरेकल एक सेट बनाता है उसमें एक पीस बनाता है उसमें फाइल्स का बैकअप ले लेते हैं, चाहे वो डेटा फाइल्स हैं चाहे वो आर्काइव्स हैं चाहे वो कंट्रोल फाइल्स हैं. ठीक है, ऑनलाइन इंटरलॉक फाइल्स, ऑनलाइन इंटरलॉक फाइल्स का बैकअप लेना नहीं चाहिए, वो ले ही नहीं सकते. ठीक है, वैसे भी यूजर मैंने बैकअप ले हैं तो तब भी हम नहीं लेते. और आरमेन के थ्रू बैकअप सेट्स का भी बैकअप ले सकते हैं. ठीक है, तो ये थर्ड के अलावा बाकी साइड थ्रू ऑनलाइन ऑनलाइन लॉग मीन ऑनलाइन रिड्यू लॉग फाइल्स. ठीक है, हाँ डेटाबेस का अपना फ्लैश कवरी एरिया होता है ना, वही हाँ मतलब वो डिस्क लोकेशन उसको भी दे सकते हैं, वो अपने नाम था फोर्थ. That's it.